गांव में एंटीना भाई, ये देखो अभी भी एंटीना, और एक एंटीना नहीं है, दो एंटीने। ओ भाई गांव में एंटीना भी, ओ भाई ये देखो भाई, पान में जापान का ये नॉर्मल मोहल्ला देख लो भाई, यहाँ के नॉर्मल मोहल्ले कैसे होते हैं ये देखिए। हर घर में आपको साइकिल मिलेगी, हर साइकिल मिलेगी, ये मिलेगी, कार मिलेगी, और भाई ये देखिए ये तरह से नॉर्मल मोहल्ला है। सड़कें देखो कितनी साफ है, और इसके बावजूद भी यहाँ पे तो ये जो देखा ना डस्टबिन के लिए, यहाँ पे डस्टबिन जो होते हैं वो तीन तरीके से उठाए जाते हैं, अलग बोतल के लिए अलग होगा, दूसरी चीजों के लिए अलग होगा, अलग होगा, ऐसा हर घर में डस्टबिन आपको इस तरह का मिलेगा। ये तो अभी हम घुस गए एक मोहल्ले में, कितनी मस्त तरह के गाँव है भाई, ये आप देखिए भाई। तो भाई ये है गाँव का प्ले ग्राउंड, ये देखो ये इस तरह के प्ले ग्राउंड होते हैं। कहाँ कहाँ झाड़ियों में चला गया यार। सो कैसे गाइस, एक नया दिन एक नया सफर भाई, यहाँ पे दूसरा दिन है मेरा। और भाई जैसा हॉस्टल का जो रूल है ना, बहुत अलग रूल है भाई, यहाँ के लोग अनुशासन समझ लो भाई। हमारा जो चेकआउट था ना 10 बजे का था, यहाँ पे क्या होता है कि आप होटल चाहे 3 दिन के लिए लो या 4 दिन के लिए हो, चेकआउट आपको 10 बजे करना पड़ेगा। आप कंटिन्यू भी करोगे ना तो भी चेकआउट 10 बजे करना पड़ेगा। तो 9:33 पर उन्होंने उठा दिया हमें, अलार्म बज गया और सारे लोग नीचे आ गए। और सबसे बड़ी चीज़ 2-3 चीज़ें हैं यहाँ पे, डिसिप्लिन लाइन देखो। देखो कोरोना तो अब आया था सोशल डिस्टेंस, लेकिन ये पहले से मानते हैं इस चीज़ को। और साइलेंस, अगर इनकी मेट्रो में बैठोगे ना तो इतनी सी आवाज़ नहीं आ सकती आप इन लोगों की। तो दोस्तों सीन ये है, 10 बज गए हैं और आज मौसम ऐसा हो रहा है थोड़ा, देखो गर्म शायद धूप से निकल रही है, अमूमन तौर पर यहाँ पर बरसात रहती है। और अभी मैं ब्रेकफास्ट करूँगा और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पर लाइन ऐसी मिलेगी आपको, लाइन का लिए लोग बहुत ख्याल रखते हैं। थैंक यू। तो भाई ये हमारा ब्रेकफास्ट सुबह का, ये लिया आपने वेज में, यही हमें समझ में आया है। और भाई यहाँ पे ना डिसिप्लिन, आपने देखा जब काउंटर पर गया था तो मैंने पैसे उनके उस पर रखे थे, प्लेट्स से होती है, और उन्होंने भी रिटर्न जो दिया प्लेट्स में दिया। ये यहाँ की करेंसी होती है, ये आप देखो। इस करेंसी के पीछे भी एक चीज़ है, लॉजिक समझाता हूँ आपको। ये 500 yen जो इंडिया के लगभग हुआ 250 रुपये, इनके 500 का सिक्का चलता है यहाँ पे, और ज़्यादातर यहाँ पे सिक्के चलते हैं, 90% सिक्के चलते हैं। ये जो देख रहे हो ना, ये भी सिक्का है। तो ये सिक्का एग्जैक्टली इसमें छेद क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो ऐसे लोग होते हैं जो आँख से देख नहीं सकते, उनके लिए बहुत ईजी हो जाता है इसे टच करके, क्योंकि ये 50 पैसे का सिक्का होता है, और आई थिंक ये 10 पैसे का या 20 पैसे का सिक्का, दो ही सिक्के होते हैं यहाँ पर। तो जो भी इंसान आइस न देख पाएगा उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि 10 का सिक्का है और 50 का सिक्का है। और एक चीज़ भाई, यहाँ के लोग जॉब को लेकर तो बड़े पंचुअल हैं। आप देखोगे ज़्यादातर लोग भाग दौड़ में रहते हैं यहाँ पर, उसका वजह यह है कि ये 1 मिनट भी लेट नहीं हो सकते। अगर ये 1 मिनट भी लेट होंगे जॉब पे तो इन्हें 1 घंटे के लिए, मतलब 1 घंटे की छुट्टी के लिए इन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। तो टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर लोग पंचुअल है। भाई आपने मेट्रो ट्रेन देखी, मतलब एक भी बंदा बोल नहीं रहा, छपरीपन नहीं, कुछ भी तरह का नहीं भाई, मतलब शांत रहते हैं यार, एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं, चुपचाप बैठे हुए हैं यार, ये चीज़ मैंने यहाँ पर देखी। तो दोस्तों फाइनली हमारी लोकेशन जो है आने वाली है जहाँ पर हम जा रहे हैं। तो गाइस मैं हूँ इस समय जापान, और जापान के ना मोहल्ले में हूँ, एक मोहल्ले होते हैं ना, तो यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करोगे, देखो आपको कार मिलेंगी और यहाँ पर एग्जैक्टली साइकिल मिलेंगी। और आप ना नोट करके बताओ कहीं आपको यहाँ पर बाइक दिखाई दे रही है। 90% लोगों का जो जीवन है ना यहाँ पर भाई, वो जो चलता है यहाँ पर, जो चलता है वो तुम्हारे की साइकिल से चलता है। साइकिल मिलेगी और आपको कार मिलेगी, कहीं भी ना आपको यहाँ पर क्या नहीं मिलेगी, आपको स्कूटी या बाइक नहीं मिलेगी। तो भाई ये नॉर्मल लाइफ है जापान के लोगों की, यहाँ पर एग्जैक्टली आपको साइकिल और तुम्हारी कार ही मिलेगी। और सोचिए 1964 में इन्होंने जो है बुलेट ट्रेन बना दी थी, लेकिन साइकिल का जो क्रेज़ है ना इन लोगों में बहुत अच्छे तरीके से है। साइकिल हर घर में आपको साइकिल मिलेगी, कार मिलेगी, लेकिन आपको जो है तुम्हारे की बाइक नहीं मिलेगी आपको। तो ये एक मैसेज है काफ़ी समझाने के लिए कि भाई अब बताओ, इंसान फिट भी रहेगा और ये स्वास्थ्य भी रहेगा, फाइनेंशियल गुड भी रहेगा। और ये मैं जो दिखा रहा हूँ आपको नॉर्मल मोहल्ले दिखा रहा हूँ जापान के, ये देखिए भाई नॉर्मल मोहल्ले होते हैं ना, ये देखो कार, हर घर में आपको साइकिल मिलेगी, 5-5, 6-6 साइकिलें मिलेंगी हर घर में। मतलब ऐसा नहीं दिखा रहा हूँ कि ये सब रेंटेड होंगे, हर घर में आपको साइकिल मिलेगी भाई, साइकिल का इतना क्रेज़ है यहाँ पर लोगों के। ये देखिए भाई, कोई घर शायद आपको अभी तक ऐसा घर नहीं मिला होगा जहाँ पर तुम्हें स्कूटी वगैरह दिखाई दे रही हो। ये देखिए भाई,
तो भाई ये आप देख सकते हो, ये है भाई लोकल जापान होता ना, गली वाले मोहल्ले वाला जापान जो होता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट करोगे आप, मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको, हर घर में आपको साइकिल और कार मिलेगी। मतलब साइकिल 90% लोग जो है यहाँ पर साइकिल यूज़ करते हैं, कार उनके कार बाकी 10% करते हैं। बाकी आप एक भी वीडियो में देख कर ये बता दो, स्कूटी या बाइक बहुत ना के बराबर जो लोग काम कर रहे होंगे, ठीक है, स्विगी वगैरह इस तरह का, तो उनके पास ही तुम्हारे की जो है स्कूटी वगैरह होगी, ये मान के देखिए। और सफाई और देखो तुम्हारे की क्लीननेस तो आप खुद देख सकते हो, ग्रीनरी आप देख ही सकते हो। और ये नॉर्मल घर है, मतलब होता ना कि जैसे आप किसी गली मोहल्ले में चले गए, साइकिल यहाँ पे इतनी नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एवरेज इंसान एक दिन में 10 किलोमीटर से ज़्यादा चलता है। और भाई मैं खुद कह रहा हूँ, मैं भी 10 से लेकर 12 किलोमीटर पर डे चल ही रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के जो मेट्रो होते हैं उसका रास्ता जो होता है वो इतना दूर होता ही होता है। ग्रीनरी देखो भाई, ग्रीनरी भाई कितना ख्याल रखते हैं यहाँ लोग। गली वगैरह आप देख सकते हैं कितनी साफ़ है यार, ये चीज़ यार इम्प्रेस करती है भाई। और वो चीज़ है सब, जब आप प्रदूषण का ख्याल रखते हो तो, और अपनी फिटनेस का ध्यान रखते हो तो ऑटोमेटिक सारी चीज़। सो गाइस, मैं हूँ इस समय जापान में, और जापान में भाई कमाल हो गया, कमाल हो गया। सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जापान आगे या पीछे है। दिखाता हूँ भाई, ये यहाँ का एक नॉर्मल मोहल्ला है, यानी गांव कह सकते हो। और गांव के हिसाब से देखो भाई, सड़कें, खूबसूरती ये वगैरह, ये देखिए भाई। अगर देखो रूल्स रेगुलेशन, बच्चे खड़े हैं बिल्कुल साइड में, ये देखो भाई। और एक चीज़ दिखाता हूँ अभी आपको, चौंक जाओगे, ये देखो भाई गाँव में एंटीना भाई, ये देखो अभी भी एंटीना, और एक एंटीना नहीं है, दो एंटीने। ओ भाई गांव में एंटीने अभी, ओ भाई ये देखो भाई, ये देख सकते हो भाई गांव में एंटीने, ये देखिए भाई। सो भाई जापान में गांव में अभी भी एंटीने हैं भाई, मतलब सोचिए 10 साल पहले 12 साल पहले देखे थे मैंने, और भाई एक नहीं है, कई सारे दिखाता हूँ मैं। देखो यहाँ से ये देखो, एक एंटीना, दो एंटीने, और उसके बाद देखो वो एंटीना, ओ भाई कई सारी छतों पर हैं। और उधर देखो, उधर एंटीने एंटीने, ये देखो भाई एंटीने, ओ भाई कमाल हो गया भाई। अब आप सोचो कि भाई ये जापान पीछे ही आ गया है, पीछे मत सोचना, उसके हिसाब से तुम सड़कें वगैरह देख सकते हो, यहाँ पे कितनी खूबसूरत है सड़कें हैं, ये देखो कैसा रूल्स रेगुलेशन फॉलो होता है। और ये बच्चे हैं, हेलो, ये तो भाई ये है मोहल्ला गांव। और इस वीडियो में आप लास्ट देखें, मैं आपको यहाँ का गाँव का कल्चर दिखाने वाला हूँ। भाई एक चीज़ और देखो, यहाँ पर आपको हर घर में साइकिल मिलेगी। अब सोचिए, मतलब इन्होंने एंटीने नहीं छोड़े, साइकिल नहीं छोड़ी, तो भाई ये देश तरक्की क्यों नहीं करेगा भाई। ये देखिए भाई, ये होती है तरक्की। और मतलब हर जगह पर आपको यहाँ पर ये नॉर्मल गांव है, मतलब ऐसा कोई शहर नहीं है, गांव है। गांव के हिसाब से देखिए भाई, हर घर में आपको साइकिल मिलेगी, हर घर में आपको जो है कार मिलेगी, और हर घर में आपको ये एंटीना मिलेगा, ये आप देखिए भाई। गाइस आपको पता है, इस देश ने 1964 में सबसे पहले बुलेट ट्रेन बनाई थी, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट, जिसकी स्पीड थी 220। और आज 2024 चल रहा है, यानी 60 साल बाद इन्होंने क्या चीज़ नहीं खोया, अपनी पहचान नहीं खोई। साइकिल, हर घर में साइकिल मिलेगी आपको, एंटीना मिलेगा भाई, इसलिए यहाँ के लोग फिट रहते हैं। और सफाई ये देखो भाई, किस लेवल की सफाई है यार, मतलब अमेजिंग यार। ये चीज़ होती है, इट्स कॉल्ड सक्सेस। अब सोचिए, भारत में जो बुलेट ट्रेन है ना, वो 2026 में पहला ट्रायल होगा। कब होगा? 2026 में पहला ट्रायल होगा, वो होगा मतलब अहमदाबाद टू गुजरात, मतलब गुजरात में होगा वो इस तरह, और पहला ट्रायल होगा। और ये इन्होंने 60 साल पहले निकाल दी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ का कल्चर, ये सारी चीज़ें देखो यार, हर घर में आपको साइकिल वगैरह मिलेगी। तो ये जो देख रहे हैं ना, डस्टबिन के लिए, यहाँ पर डस्टबिन जो होते हैं वो तीन तरीके से उठाए जाते हैं। देखो, अलग बोतल के लिए अलग होगा, दूसरी चीज़ों के लिए अलग होगा, अलग होगा, ऐसा हर घर में डस्टबिन आपको इस तरह का मिलेगा। ये आप देखिए भाई यहाँ। तो अभी हम घुस गए एक मोहल्ले में, और यहाँ से बिल्कुल रिलेट कर पाओगे गांव वाली लाइफ। देखो साइकिल, छाता, ये भाई हर जगह, मतलब सबसे ज़्यादा साइकिल के स्टैंड होंगे यार। ये देखो भाई यार, वाकई में यार लाइफ सुकून वाली लाइफ यार। ग्रीनरी देख सकते हो कितनी, कितनी मस्त तरह के गाँव है भाई, ये आप देखिए भाई। तो ये देख रहे हैं एग्जैक्टली, मैं आपको वही फील करा रहा हूँ, घर, गांव, ये साइकिल वगैरह, ये देखिए सुकून देखिए भाई। लोग भी ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग पता क्या कहते हैं कि यार आबादी छोटी हो तो तरक्की कोई भी कर सकता है। भाई चाइना में कितनी बड़ी आबादी है। तो ये सारी चीज़ें हैं भाई, ये आप देखिए भाई, पब्लिक वॉशरूम देख लीजिए, पब्लिक हाथ पैर धोने के लिए, देखो पानी पीने के लिए, ये देखो ये चीज़ देखिए भाई।
और ये देखिए भाई पूरा गांव, ये देखिए भाई। और मैं जानबूझकर इस जगह पर आया था ताकि गांव से आपको रिलेट करवा पाऊँ गांव की लाइफ एग्जैक्टली होती कैसी है। भाई मैंने अभी तक शायद एक अधिक कार देखी है, सॉरी एक अधिक बाइक देखी है, बाकी यहाँ पर साइकिल मिलती है, हर घर में साइकिल मिलेगी भाई। सुकून इतना है कि बस कुछ नहीं, हर जगह मतलब रूल्स फॉलो होते हैं यार, मेन चीज़ है रूल्स। सफाई आप खुद देख सकते हो भाई किस लेवल की सफाई है। ये देखो साइकिल को किस तरीके से पैक किया जाता है जैसे बाइक है। ये देखो ये कूड़े किस तरीके से रखे हुए, कूड़ा है कूड़े वाला आएगा ले जाएगा उठा करके, किस तरीके से प्रॉपर तरीके से रखे हुए हैं, ये चीज़ देखिए भाई। भाई ये है गांव का प्लेग्राउंड, ये देखो ये इस तरह के प्लेग्राउंड होते हैं। तो अभी तो मेरे हिसाब से कोई होगा नहीं क्योंकि इस समय दोपहर के 2 बज रहे हैं, तो सारे लोग घर चले गए होंगे। एक अच्छी चीज़ ये है कि भाई पानी की बोतल बहुत महंगी मिलती है, तो यहाँ पानी फ्री में पी सकते हो आप। ये देखो ये है हरामाची पार्क, पानी आपको आराम से चलाओ पियो, ये आप देखिए भाई। तो और कितना अच्छा बना हुआ है, दोपहर है तो यहाँ कोई है भी नहीं, सबसे बड़ी चीज़ यही है, कोई भी नहीं है, पूरी तरह से सुकून है। ये देखो कहाँ कहाँ झाड़ियों में चला गया यार मैं, कोई मुझे पीट ना दे पकड़ के कि साले यहाँ कर क्या रहा तू। चलो तो अभी एग्जैक्टली मैं एक तरह से मेन रोड की तरफ बढ़ रहा हूँ, ये आप देख सकते हो भाई, ये देखिए। तो ये रास्ता जा रहा है मेन रोड की तरफ और यहाँ पर देखो भाई एंटीना, देखो यहाँ भी आपको एंटीना मिलेगा भाई। तो ये गांव जो दिख रहे हैं ना एग्जैक्टली भाई बहुत ही प्यारा गांव है एग्जैक्टली। टोक्यो में आओगे पता कर लेना किसी से भी गांव, तो ये पूरा गांव वाली फीलिंग आएगी आपको। और ये देखिए भाई इस तरीके से, ये आप देख सकते हो यार, इस पर कोई फल भी लग रहा है, ये देखो